आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फोटोशॉप से, और यहाँ देख सकते हैं कि टी अहमद जनाब जी ने कमेंट किया है कि इंटर दबाने से नेक्स्ट लाइन नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैंने एक फ़ोटोशॉप 7.0 से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन का जो डिस्टेंस को कम और ज़्यादा कैसे करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद अहमद जी ने कमेंट किया है, और इनका प्रॉब्लम यही है कि जब आप फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और इंटर दबा रहे हैं, तो आपका लाइन जो है नहीं आ रहा है, वो नेक्स्ट लाइन नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले अहमद जनाब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको सही करेंगे। तो यहाँ देखिए, मेरा फ़ोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है। तो नॉर्मली मैं पहले एक पेज ले लेता हूँ, या फाइल में गया, न्यू में क्लिक किया, और यहाँ पे न्यू का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। सभी को पता है यहाँ नाम देना होता है, यहाँ पे जो भी आपका साइज़ है, एक साइज़ आप ले सकते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट साइज़ है। तो मैं बड़ा ही साइज़ ले रहा हूँ, 1920x1080 का, जो आपका रिक्वायरमेंट साइज़ है कोई सा भी साइज़ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिजोल्यूशन 72, RGB मोड, और यहाँ पर वाइट रखा है कॉन्टेंट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। अब टाइप करने के लिए टूल बॉक्स में जाएंगे, और ये जो टूल है आपका हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए मेरा कर्सर आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, सबसे पहले AGAUTAM गौतम लिख दिया। अब देखिए मेरा कर्सर पीछे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं इंटर दबाऊँगा तो देखिए कर्सर का क्या होता है, ये देख लेते हैं। ये मैं इंटर दबा रहा हूँ, अब क्या हुआ, देखिए मेरा कर्सर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब कर्सर में एकदम नीचे चला आया है, देख सकते हो सकता है जब आप टाइप करते होंगे, एक लाइन टाइप किया, इंटर दबाया, तो कर्सर हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा होगा। रीज़न ये है कि दोनों का जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कभी ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं ये ओरिजिनल तो रहता नहीं, कहीं से वहीं से हम लोग मांग के लाते हैं, या दोस्त से कहीं इकट्ठा करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो ओरिजिनल तो लाते नहीं, तो कभी कभी सेटिंग में प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो इसको कैसे सही करेंगे, अब ये रीज़न तो क्यों हुआ है, वो इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कर्सर रखा, अब यहाँ पे देखिए ये जो मेनू बार है ठीक नीचे, देखिए प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो कर रहा होता है। यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका बटन दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग पैराग्राफ पैलेट बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह देखिए कैरेक्टर और पैराग्राफ का एक पैलेट खुल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैरेक्टर वाला जो ये बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, इस एरिया में, तो हो सकता है देखिए बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 79249 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से सेटिंग करने के लिए बाद हो सकता है आप इसको अगर ऑटो करते हैं तो हो सकता है सेट हो, नहीं भी हो सकता है, सेट हो जाता है एक बार तो। और मैं ऑटो भी करता हूँ तो देखिए मैं इंटर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ये देखिए मैं लिखा, फिर इंटर दबाया, कुछ लिख के देखिए मैंने पहले लिखा यहाँ पे, फिर इंटर दबाया, देखिए ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे आया। फिर अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, फिर इंटर दबाता हूँ, ये देखिए, तो पहले आप देखिए, ये देखिए इंटर दबा रहा हूँ, देखिए। लेकिन क्यों ये यहाँ पे अगर ऑटो नहीं रहा, कोई नंबर रहेगा तो ये गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो बेस्ट यही मैं कहूँगा कि जब भी आप टाइप करें, ऐसा भी होता होगा कि जैसे आप यहाँ पे टाइप करते होंगे और ऑटो करते होंगे, इंटर दबाते होंगे, तो आपका कर्सर फिर से वापस वो नंबर आ जाता होगा। तो उस सूरत में क्या करेंगे, ये देखिए मैं सबको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये देखिए मिटा दिया। अब यहाँ से देखिए फिर से देखिए मेरा कर्सर देखिए उतना सेट हो जा रहा है, देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए सेट हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, सेट हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर फिर से मैं ऑटो करता हूँ, ये देखिए मैं पहले कर्सर रख दिया, इसको ऑटो किया, उसके बाद मैं टाइप करता हूँ GAUTAM गौतम के आर कुमार लिखा है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इंटर में दबाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली देखिए मेरा कर्सर नीचे आ गया। याद रखिएगा यहाँ पे आपका अगर संख्या ज़्यादा है आपका, तो ये ऑटोमेटिकली ये गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है आपका कर्सर दिखाई नहीं भी देता होगा। तो इसलिए जब भी आप टाइप करें तो पहले आप देख लीजिए कि ये ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आप इसको, पहले आपके आप क्लिक किया, जैसे फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको फिर से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से हो सकता है देखिएगा फिर से वो सेट हो गया होगा। देखिए यहाँ फाइल में गया, न्यू में क्लिक करते हैं, न्यू का डायलॉग बॉक्स आया, सेम वही साइज़ वही मेज़रमेंट सब कुछ रखा है, ओके पे क्लिक किया। करने के बाद अब यहाँ पे जाते हैं, ये जो टूल है हॉरिजॉन्टल टूल, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गया मैं, अब यहाँ पर देखिए फिर से ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है, बार बार सेट हो जाता है, इसको आपको कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर पहले मैंने ऑटो किया, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे देखिए GAUTAM गौतम लिखा, फिर इंटर दबाया, KUMAR कुमार, अब यहाँ पे TH A
एन के एस थैंक्स। देखिए ऑटोमेटिकली आप देखिए पहले जैसे अवस्था मेरा नहीं रहा, यहाँ पे ऑटो होना चाहिए तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो आई होप अहमद जी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व आउट हो गया होगा। और भी कुछ जानना है फोटोशॉप से रिलेटेड तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।